नजर आ रहे हैं। तीर्थ स्थल कुंडलपुर पर उनके एक पोस्ट को लेकर विवाद बढ़ गया है। दमोह दिग्विजय के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। वहीं मामले में बीजेपी भी आक्रामक है। एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के एक सोशल मीडिया पोस्ट पर बवाल मच गया है। ये विवाद इतना बढ़ गया कि दमोह में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल बताया जा रहा है कि दिग्विजय सिंह ने जैन तीर्थ स्थल कुंडलपुर को लेकर एक पोस्ट किया था, जिसका वीडियो फेक बताया जा रहा है। इस मामले को बढ़ता देख दिग्विजय सिंह ने पोस्ट को डिलीट कर दिया है। बजरंग दल ने थाने पहुंचकर दिग्विजय पर शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस की घृणित मानसिकता को लेकर दिग्विजय सिंह चलते हैं और उसी मानसिकता को लेकर हमारे कुंडलपुर क्षेत्र में उत्पात की घटना का उनने ट्विटर पर ट्वीट किया था, जिसमें उनने बजरंग दल का उल्लेख किया था। तो आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा दिग्विजय सिंह के खिलाफ में एफआईआर दर्ज कराई है। ट्वीट जिस अकाउंट से किया गया उस ट्वीट की बारीकी से जांच की गई। ऐसे तथ्य जो है वो सही नहीं पाए गए। एक अगेंस्ट में हमने 153A आईपीसी, 505B आईपीसी और 177 आईपीसी का प्रकरण ट्वीट अकाउंट धारक दिग्विजय_28 के विरुद्ध कायम कर विचारण किया। दरअसल 28 अगस्त को दिग्विजय सिंह ने अपने एक्स हैंडल से कहा था कि दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर परिसर में बजरंग दल के कथित असामाजिक तत्वों द्वारा शिवजी की पिंडी रखकर उत्पात किया जा रहा है। जब इस मामले की जांच कराई गई, तो ये तथ्यहीन निकली, जिसके बाद दिग्विजय सिंह पर ये कार्रवाई की गई। वही मामले में बीजेपी दिग्विजय सिंह पर हमलावर हो गई है। दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस के नेता हर समय भ्रामक प्रचार करते हैं और समाज में अराजकता फैलाने का काम करते हैं। ये उनका चुनावी एजेंडा है। मैं हर समय से कहता आया हूं कि जैसे ही चुनाव आते हैं कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट शुरू हो जाता है। समाज को समाज से लड़ाना, वर्ग संघर्ष करवाना, वैमनस्यता फैलाना, अफवाह फैलाना, इस डिपार्टमेंट की सुपारी और इस डिपार्टमेंट के संयोजक कोई है तो वो दिग्विजय सिंह है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह, लगातार इस देश के अंदर और मध्य प्रदेश में और खास तौर पर मध्य प्रदेश का वातावरण बिगाड़ने के लिए ऐसे विषयों को, फेक झूठे विषयों को समाज में अपने ट्विटर से प्रस्तुत करना केवल गंभीर मामला नहीं, ये एक अपराध की श्रेणी में आता है। हालांकि वही मामले में दिग्विजय सिंह की सफाई भी सामने आई है। कुंडलपुर वाले मामले में एफआईआर दर्ज कराई दमोह में, वो जो भी कराए, मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई थी तो मेरा ये फर्ज था कि मैं उनको सूचित करूं डीजीपी साहब को, मैंने किया। फिलहाल बीजेपी दिग्विजय सिंह पर आक्रामक है और उनको घेरने में लगी हुई है। ऐसे में देखना होगा दिग्विजय सिंह इस नई मुसीबत से कैसे निकलते हैं। टीम न्यूज़ 18।